7 के साथ। यहाँ पे हम लोग डाइवर्ट हो रहे हैं काचीगुड़ा के लाइन की तरफ। सामने एक और स्टेशन कुछ आ रहा है। Departing from Kachiguda with a delay of 25 minutes. Electrification का काम चल रहा है यहाँ पे। अपना गाड़ी यहाँ मनोपाड़ में लूप लाइन में रुका हुआ है। मेरा इस गाड़ी में टिकट कराने का मेन पर्पस अब शुरू होने वाला है और यह है स्लो स्किप ऑफ डोन जंक्शन। और यहाँ पे हमारा ट्रेन शायद रुकने वाला है। रुक गया। ये वाले रूट में अभी इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है तो जल्दी इस रूट में भी हम इलेक्ट्रिफिकेशन देख सकते हैं। रूट में आधे रूट तक शायद हुआ है लग रहा है, बाकी आधे रूट का वर्क इन प्रोग्रेस। अब हम लोग जल्दी ही गुंतकल पहुंचने वाले हैं। गुंतकल जंक्शन में मैंने एक डोसा लिया है, देखते हैं इसको टेस्ट करके कैसा है। चलिए रिव्यू करते हैं हमने जो डोसा लिया उसका। ठीक है, चटनी थोड़ा सा स्पाइसी है लेकिन अच्छी है। एक्चुअली इन्होंने डोसा बोल के उत्तपम दिया है, चलेगा क्योंकि मुझे तो डिफरेंस पता है दोनों के बीच में, तो मैं पकड़ लिया। वैसे 40 रुपये में दो उत्तपम दिए हैं तो कॉस्ट के हिसाब से तो ठीक है, वो टेस्ट भी अच्छा है। तो इसको ख़त्म करते हैं, उन्हें यहाँ से डिपार्चर देखते हैं। गुंतकल से अपनी ट्रेन निकल गई 25 मिनट्स की डिले में है अपना ट्रेन। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्टॉप हमारा रहेगा बल्लारी जंक्शन, तो देखते हैं बल्लारी में कितना हम लोग डिले को कवर कर पाएंगे। तो अभी के लिए आंध्र प्रदेश को बाय बाय और कर्नाटका को बोल रहे हैं हाय।
बिरापुर कर्नाटका फर्स्ट स्टेशन। एंटरिंग बल्लारी जंक्शन स्टेशन। बल्लारी जंक्शन एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आई है अपनी गाड़ी। 15 मिनट के डिले के साथ तोरणगल्लू जंक्शन स्किपिंग तोरणगल्लू। एक्चुअली स्टॉपिंग नॉट स्किपिंग। तो अभी अपना ट्रेन तोरणगल्लू जंक्शन से स्टार्ट हुआ है। अपना तो कोई वैसे हॉल्ट नहीं था यहाँ पे, लेकिन एक छोटा सा पॉज लेके हम लोग शुरू किए हैं, फिर से कंटिन्यू अपना जर्नी किए हैं। तो तोरणगल्लू को जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लेन गया हुआ है रंजीतपुरा की तरफ, और जिस लेन से हम लोग आए हैं हम लोग अब सीधा बढ़ रहे हैं होसपेट जंक्शन की तरफ, और होसपेट जंक्शन में अपना स्टॉप रहेगा, और वहाँ पे चलने के बाद मैं आपको बताऊँगा होसपेट को जंक्शन क्यों बोलते हैं। चलिए अब मिलते हैं होसपेट में। हुबली विजयवाड़ा अमरावती एक्सप्रेस। होसपेट जंक्शन हुबली दावणगेरे भागवागि होगुव गाडी संख्ये 1 2 6 5 0 निजामुद्दीन यशवंतपुर जंक्शन संपर्क दोस्तों। 25 मिनट के देरी के साथ हम लोग पहुँचे हैं होसपेट जंक्शन।
होस्पेट को जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन गया हुआ है टूवर्ड्स व्यास कॉलोनी जंक्शन, जो कि आगे जाके वो लाइन मिलता है दावा नगरे के पहले में, और एक छोटा सा और एक लाइन गया हुआ है, वो स्टेशन का नाम मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, कुछ प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो और अपना सीधा एक लाइन जा रहा है अभी कुबली की तरफ। तो चलिए देखते हैं यहाँ से हम लोग अपना डिपार्चर। तो दोस्तों 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हम लोग निकल गए हैं अभी होस्पेट जंक्शन से। अब हमारा यहाँ से नेक्स्ट स्टॉप रहेगा कुप्पल। Accelerating after Hospital Junction, moving forward towards Koppal. Train got delayed by 35 minutes. Sorry, 25 minutes. 6:15 का यहाँ पे अराइवल टाइम था, अभी 6:40 हो रहा है। अब अपना अगला स्टॉप रहेगा गदक जंक्शन। अगर आपको ये पता करना है कि हम लोग स्टेशन के पास आए हैं कि नहीं करके, तो इस ट्रेन में बहुत ही सिंपल है। ये ट्रेन जिस किसी भी स्टेशन में रुकने को चाह रहा है तो उसके पहले आउटर में ज़रूर रुकते हैं। तो इससे आप एक आइडिया कर सकते हैं कि हाँ हम लोग स्टेशन के पास हैं करके। अभी हम लोग गदक के आउटर में रुके हुए हैं, तो लेट हो गया ट्रेन। अब पहुंचने प्लेटफॉर्म में एक बार पहुंचने के बाद आपको बताता हूँ कितना देर हुआ है, क्योंकि अभी तो लेट को और समअप करने वाले हैं ये लोग। जितना लेट था उससे कम नहीं हो रहा है, अभी ज़्यादा बढ़ रहा है। चलिए प्लेटफॉर्म में पहुंचने के बाद आपको बताता हूँ कितना देर लेट हुआ है। अरकोणम का वेब 4 आई थिंक हम्पी एक्सप्रेस है ये। जो कि ट्रेन का आपने क्रॉसिंग देखा था वो है हुबली से मैसूर के बीच चलने वाली हम्पी एक्सप्रेस, और अभी हम लोग को क्लियरिंग मिल गया है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं गदक जंक्शन की ओर। 50 मिनट की देरी के बाद हम लोग पहुँचे हैं गदक जंक्शन। 5 मिनट का स्टॉप है यहाँ पे, और गदक को जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से 3 रास्ते गए हुए हैं। पहला जो हम लोग आए, दूसरा यहाँ से सीधा बढ़ रहा है हुबली की तरफ, और एक रास्ता यहाँ से गया है बागलकोट जंक्शन की तरफ, जो आगे जाके विजयपुरा होते हुए सोलापुर में जाता है। मात्र 2 मिनट के हॉल के बाद हम लोग यहाँ से निकल गए हैं गदक जंक्शन से, और एक्चुअल में इसका यहाँ पे 2 मिनट का ही हॉल्ट है। मैंने थोड़ा गलत पढ़ लिया था, 5 मिनट का बोल रहा था पहले, एक्चुअल में इसका 2 मिनट का हॉल था। हम लोग अभी 2 मिनट के हॉल लेके निकल गए यहाँ से। अगला स्टॉप रहेगा कुबली जंक्शन, जहाँ पे अपना लोको रिवर्सल होगा। हमारी गाड़ी फ़िलहाल के लिए 50 मिनट्स के डिले में चल रहा है, 50 मिनट। कुबली पहुँचने में अभी 2 किलोमीटर बाकी है। और वो सामने से मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा है, लेकिन सामने से एक ट्रैक आ रहा है, सामने से एक लाइन आ रहा है, वो जाएगा अभी बेंगलोर की तरफ। तो हम लोग उसी लाइन में बढ़ने वाले हैं,
अपना लोको रिवर्सल होने के बाद। अभी यहाँ पे लोको रिवर्सल होगा और हम लोग इसी लाइन पे बढ़ेंगे, शायद अभी कुछ दिख रहा हो। ये रहा, इसी लाइन पे अभी हम लोग बढ़ेंगे बेंगलुरु की तरफ। लोको रिवर्सल होगा अपना यहाँ पे बड़ी में। और सामने जो कोच हैं उसका डेट देखिए, 96 में बना हुआ कोचेस हैं वो, 96-97। तो देख सकते हैं कितने पुराने कोचेस की भी हम लोग सर्विस अभी भी ले रहे हैं। हम लोग आ गए अपने प्लेटफॉर्म पे श्री सिद्धा रूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन। मिनट्स के देरी के साथ हम लोग पहुंचे हुबली जंक्शन। हुबली को जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से तीन लेन गई हुई है, एक जिसमें से हम लोग आए और एक जिसमें हम लोग बढ़ने वाले हैं जो कि बेंगलुरु लाइन, और एक सीधा चले जाती है धारवाड़ होते हुए लोंडा जंक्शन। लोंडा जंक्शन इसलिए है क्योंकि वहाँ से दो लेन कटती है, एक बड़गांव की तरफ और एक चले जाते हैं कैसल रॉक की तरफ। द ट्रेन इज धारवाड़ मैसूर एक्सप्रेस, इट विल फॉलो अस। अपना हुबली से निकलने का टाइम था 8:45 और हम लोग निकले 9:45, मतलब एक घंटे के डिले में चल रही है अभी गाड़ी। देखते हैं रात में कुछ स्लैक होगा तो मिलाएगा, या तो फिर चलते रहेगा डिले। अगर आप चाहते हैं तो हुबली को आप अपना डिनर पॉइंट मतलब बना सकते हैं, क्योंकि हुबली में सब टाइप के आपको मिल जाएंगे, जैसे बिरयानी हो गया, पुलाव हो गया, या फिर इडली वड़ा हो गया, या कोई लाइट स्नैक्स हो गया, समोसा वगैरह, वो सारे अवेलेबल हैं। तो जब आप इस ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप एक अपना डिनर पॉइंट बना सकते हैं हुबली जंक्शन पर। से हम लोग ने बहुत सारे रूट्स कवर किए हैं, बहुत जंक्शन देखे हैं, बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर किए। अब चलिए थोड़ा सा रेस्ट लिया जाए और मिलते हैं कल सुबह आपको यशवंतपुर। गुड नाइट। द नेक्स्ट डे अप्रोचिंग यशवंतपुर विद इन अ शॉर्ट टाइम। Arrived at Yashwantpur Junction at 4:40 AM. Good morning दोस्तों, हमारे ट्रेन का एक्चुअल अराइवल टाइम था 5:30 का और हम लोग 4:40 को ही आ गए यहाँ पर, 50 मिनट्स बिफोर पहुँच गए हैं, इसीलिए स्लैक टाइम बोलते हैं, क्योंकि अपना ट्रेन अरसिकरे तुमकुर तक तो आधे घंटे के डिले में चल रहा था, हुबली में तो 50 मिनट एक घंटे के डिले में निकला था और यहाँ पे 50 मिनट बिफोर में पहुँच गए। तो दोस्तों कल हम लोग ने हुबली से जब निकला था तो वहाँ से अपने यशवंतपुर के बीच में दो जंक्शन आती हैं, एक हो गया सिकजाजू जंक्शन, जहाँ से सिकजाजू जंक्शन से एक ब्रांच लाइन, एक छोटा सा लाइन गया हुआ है चित्रदुर्गा की तरफ और वो सीधा जाके मिलता है बलार में, और एक जंक्शन है अरसिकरे जंक्शन। अरसिकरे से एक लेन गया हुआ है
हसन जंक्शन की तरफ जो आगे जाके मैसूर लाइन में मिलता है, और अपना यशवंतपुर तो जंक्शन है ही, क्योंकि यहाँ पे पांच लाइंस आके मिलते हैं। एक लाइन आता है हिंदूपुर से, एक आता है बंगारपेट जंक्शन से, एक आता है होसूर से, और एक हम लोग जिसमें से आए हैं हरसिकेरे रूट से, और एक आता है मैसूर जंक्शन से। तो एक बहुत बड़ा स्टेशन है ये बेंगलुरु के अंदर, और फ्रैंकली बताऊँ तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था हम लोग 50 मिनट के बिफोर पहुँचेंगे यशवंतपुर में। मैंने सोचा होगा कुछ 10-15 मिनट का स्लैक टाइम, लेकिन इतना ज़्यादा स्लैक टाइम करके मैंने तो नहीं सोचा था। प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ आपको मेट्रो फैसिलिटी भी मिल जाएगा। इतने सुबह तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन 6 बजे के करीब शुरू हो जाएगा करके सोच रहा हूँ। तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अपने लाइफ में अभी तक का सबसे लॉन्गेस्ट जर्नी रहा ये 45 आवर्स का, एक्चुअली 44 आवर्स का, क्योंकि 50 मिनट बिफोर पहुँच गए हम लोग यहाँ पे। तो बहुत सारा रूट्स देखने को मिला, बहुत सारे जंक्शन एक्सप्लोर करने मिला, फूड भी मैंने अच्छा खासा एक्सप्लोर किया है। और बात करें ट्रेन की, तो जो लोग यशवंतपुर आना चाहते हैं तो वो लोग को वन ऑफ द ऑप्शंस में से ये ट्रेन तो मैं प्रेफर करूँगा ही, क्योंकि जो लोग कर्नाटका एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो लोग के लिए तो अच्छा ट्रेन है ये, अच्छी खासी कर्नाटका घुमा के लाती है। मेंटेनेंस थोड़ा सा एवरेज था, मतलब मेंटेनेंस में तो मैं फुल 10/10 तो नहीं दूंगा, बाकी रनिंग वगैरह की बोला जाए तो आपको तो पता ही चल गया कितने स्लैक टाइम है। अगर आप एंड टू एंड जर्नी करने वाले हैं तो आप हमेशा बिफोर टाइम ही आएंगे। तो अपने ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम ब्लॉग कर रहा था, अगर कुछ गलतियाँ हुई हो तो माफ़ कर देना। अगले जर्नी में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।